YouTube ज्ञान में आपका स्वागत है। जैसा कि हम साइंस की बात कर रहे थे पिछले वीडियोस में, हमने बताया साइंस के इंट्रोडक्शन दिया साइंस का। साइंस के अंदर हमने फिजिक्स स्टार्ट की, फिजिक्स में हमने मापन पढ़ाया था और इसके अलावा मापन में सदिश और अदिश बताई थी, ठीक है। इसके अलावा व्युत्पन्न मात्रा का और मूल मात्रा क्या है, उनमें डिफरेंस क्या है, इसको हम अच्छे से समझाने की कोशिश की थी। आज हम मात्रक का ही थोड़ा सा टॉपिक है, जो कुछ प्रमुख मात्रक हैं जो कि यूज होते हैं एग्जाम में, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनको जान लेना जरूरी है, इसीलिए हम इस टॉपिक को मात्रक के में नहीं जोड़ पाए, इसलिए हम अलग से इसके लिए वीडियो लाए हैं, ठीक है। दूरी को मापने के लिए कई मात्रक हैं, लेकिन अब दूरी मीटर किलोमीटर, इससे बड़े मात्रक की आवश्यकता पड़ती है अगर हम दूरी को मापें, जैसे सूर्य और चांद की दूरी, सूर्य और पृथ्वी की दूरी, इन सबको मापने के लिए बड़े मात्रक चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ मात्रक हैं, जैसे एक खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई का मतलब इंग्लिश में समझिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 AU इज इक्वल टू सूर्य, सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस। 1 AU इज इक्वल टू सन इंटू सन एंड अर्थ के बीच की डिस्टेंस। अब ये होती कितनी है, तो आप ये कहेंगे कि सन और अर्थ की डिस्टेंस हमेशा घटती बढ़ती रहती है, तो ठीक है, इसका हमने मीडियन माना है। खगोलीय इकाई जो है ये अर्थ के डिस्टेंस का एक माध्य है, यानी मीडियम है, और उसको हमने खगोलीय इकाई यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट नाम दिया है, जिसका मान होता है 1.495 × 10^11, ठीक है, 1.10 किलोमीटर, तो सर मीटर, सॉरी किलोमीटर होगा तो ये 1.495 × 10^11 मीटर। तो ये है आपका 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी एक खगोलीय इकाई। इसके अलावा दूरी का एक बहुत बड़ा मात्रक होता है, इससे भी बड़ा मात्रक, जिसे बोलते हैं प्रकाश वर्ष, नाम सुना होगा, कंफ्यूज कर जाते हैं आप, इजी क्वेश्चंस हैं लेकिन कंफ्यूजन कर देते हैं। प्रकाश वर्ष है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी, जो कि होती है 9.46 × 10^15 मीटर, ठीक है। ये एक प्रकाश वर्ष है, ये भी दूरी का मात्रक है, और इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि जब क्वेश्चन में आ जाता है कि दूरी का मात्रक है या दूरी का एक बड़ा मात्रक है, तो आपका प्रकाश वर्ष लगता है कि नहीं, प्रकाश वर्ष तो कुछ प्रकाश से रिलेटेड होगा, नहीं, ये मात्रक है, दूरी का मात्रक है, ठीक है। तीसरी है सबसे बड़ी इकाई दूरी मापने की, पारसेक, ये भी याद कर लीजिए, आपको एग्जैक्ट डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर याद कर लेंगे तो हो सकता है कभी फायदा ही गिर जाए, क्योंकि तीन चार ही बड़े मात्रक है जिनका डेटा याद करना है, ये पारसेक है, उनमें से एक है, 3.08 × 10^16 मीटर, ये भी दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी की कुछ छोटी इकाइयां हैं, 1 माइल यानी 1 मील कितना होता है, 1.6 किलोमीटर, ठीक है, 1.6039, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। 1 नॉटिकल माइल यानी समुद्री मील, 1.8, ठीक है, समुद्री मील कितना होता है, 1.85 कर लीजिए मीटर, ठीक है, 1.85 किलोमीटर, तो ये समुद्री मील हो गया। तो ये दूरी की कुछ इकाइयां थी, आपको दूरी का हमने बताया। इसके अलावा एक लीटर की भी बड़ी इकाई है जो हमेशा न्यूज में रहती है, कच्चे तेल के दाम की वजह से बैरल, ठीक है, जो कि होती है 159 लीटर। ये फैक्चुअल डेटा हमने बताया आपको कि ये क्वेश्चन से रिलेटेड है, याद करना जरूरी है क्योंकि आता रहता है, इसलिए हमने बताया। इसके अलावा एक और टॉपिक है जिसमें, जैसे हमने अभी नाम लिया कि 10^11, 10^12, 10^6, इनको व्यक्त करने के लिए साइंस में या मैथ्स में कुछ टर्म दे दिए गए हैं, ठीक है, इनको हम बारी बारी से बताएंगे, कोशिश करेंगे कि आप इसको दिमाग में रख लें। 10^1 जैसे डेका, अब इसको हम साथ साथ लिख रहे हैं, माइनस वाले को भी 10^-1 यानी डेसी,
ठीक है, इसको सात इसीलिए लिख रहे हैं कि आपको आसानी हो। जैसे 10^1 डेका डेसी, तो आप -1 कर लीजिए, डेका डेसी। 10^2 हेक्टो, 10^-2 सेंटी, अब मीटर होगा, लीटर होगा, कुछ भी आप जोड़ सकते हैं। 10^3 किलो, इसको तो पता ही होगा। 10^-3 मिली, किलो मिली, याद करने में आसानी होगी। इसके बाद 10^6 क्या होता है, मेगा, मेगाबाइट भी होता है। अब मेगा का अपोजिट देख लीजिए, 10^-6 माइक्रो होता है, माइक्रोमीटर। ठीक है, 10^9 क्या होता है, गीगा, गीगावाट जैसे बोलते हैं, या गीगाबाइट बोलते हैं, जीबी बोलते हैं, आप समझ लीजिए। 10^-9 नैनो, कि कुछ है जिनको आपको जरूरी है याद करना, खास करके लास्ट के दो। ठीक है, ये लास्ट के दो काफी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हर जगह कंफ्यूज करते हैं, माइक्रो, मेगा और गीगा में। ठीक है, इसके अलावा अगला टॉपिक जो छोटा सा टॉपिक है, एक विमा, डायमेंशंस क्या होती हैं, ये खासकर मैकेनिक्स में ही यूज होता है और इसका छोटा सा है, तो मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, साइंस क्योंकि हम स्टार्ट किए तो साइंस में कोई चीज छोड़ नहीं सकते, जो चीज कम जरूरी है इसको हम छोटे में से बता देंगे। ठीक है, मैकेनिक्स में लंबाई, द्रव्यमान और समय को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, कुछ टर्म दे दिए गए हैं, कुछ लेटर्स का यूज होता है। जैसे लंबाई के लिए L यूज होता है, द्रव्यमान के लिए M होता है और समय के लिए T होता है। अब देखिए, मात्रक नहीं है, मात्रक से डिफर है। द्रव्यमान के लिए जैसे केजी होता है, नहीं इसमें नहीं केजी होता है, लंबाई के लिए मीटर होता है, नहीं इसमें L होता है। ये जब मैकेनिक्स में चीजों को जोड़ते घटाते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो हम इस शॉर्ट फॉर्म में नाम दे दिए हैं, और इसके आधार पे हम बाकी सारा कुछ डिसाइड होता है। जैसे मान लीजिए किलोमीटर प्रति सेकंड, या सॉरी मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, तो एल होगा किसके लिए, मीटर के लिए, और सेकंड के लिए टी, तो LT-1। आप देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये मैं क्यों समझा रहा हूं, कभी कभी क्वेश्चन में सीधे यही टर्म दे दिए जाते हैं कि जो लंबाई और द्रव्यमान की विमा है, LT1, LT-1, LT, तो ये कभी कभी क्वेश्चन में देखा गया है, इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया। बस इतना ही आपको जानने की जरूरी है। इस चैप्टर में, मेजरमेंट के चैप्टर में, पिछले दो दो वीडियो थे उसको हमने कवर करने की कोशिश की, पूरा मेजरमेंट आपका हो गया है। इसके अलावा जो अगला चैप्टर होगा वो अगले वीडियो में हम आपके सामने लाएंगे। इसकी PDF आप चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि या आपके फेसबुक में भी है, आपके टेलीग्राम में भी है, उसके अलावा ट्विटर पे भी हम मौजूद हैं। सपोर्ट करते रहिए, धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबा लें। थैंक यू।